मुरमा इलाके में शराब के नशे में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। आरोपों की माने तो पति जीवन सिंह शराब के नशे में इस कदर धुत था कि उसने घर के चूल्हे में जलती हुई लकड़ी से पत्नी के शरीर पे कई जगह मारपीट की। इतना ही नहीं, गरम लकड़ी को मुंह के अंदर डाल दिया। इस घटना के बाद मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई। पत्नी की मौत के बाद पति मौके से फरार हो गया। घटना की सूचना गांव के सरपंच ने पटना थाने की पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही घटना के बाद से फरार हुए आरोपी पति को ग्रामीणों की मदद से पकड़ लिया गया है। बताते चले कि कोरिया जिले के मुरमा इलाके में शराब के नशे में पति ने पत्नी की हत्या कर दी। पति नशे में इस कदर धुत था कि उसने घर के चूल्हे में जलती हुई लकड़ी से पत्नी देवकुंवर के शरीर में कई जगह मारपीट की। बताते चले कि कोरिया जिले के मुरमा इलाके में शराब के नशे में पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। पति जीवन सिंह शराब के नशे में इस कदर धुत था कि उसने घर के चूल्हे में जलती हुई लकड़ी से पत्नी देवकुंवर के शरीर में कई जगह मारपीट की। इससे भी जब उसका जी नहीं भरा तो गर्म लकड़ी को मुंह के अंदर डाल दिया। इस घटना के बाद मौके पर ही पत्नी की मौत हो गई। घटना की सूचना गांव के सरपंच द्वारा पटना थाने की पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस ने शव का पंचनामा करने के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पटना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपित को काबू कर लिया गया है, महिला की मौत हो चुकी है, आरोपित पर संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। कोरिया से संवाददाता राजू शर्मा की रिपोर्ट। दिनांक 26/1/2021 को ग्राम मुरमा सरपंच उदय सिंह के द्वारा सूचना दिया गया, फोन के माध्यम से सूचना दिया गया कि ग्राम मुरमा के बराबुटरा में जीवन सिंह नामक व्यक्ति अपने पत्नी देव कुमार को शराब के नशे में चूल्हे के जलते हुए लुठी से मारपीट कर घायल कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। सूचना तस्दीक हेतु एएसआई दुबे जी को घटना स्थल पर भेजा गया था, जहां उनके द्वारा पूछताछ एवं घटनास्थल के निरीक्षण पर पाया गया कि आरोपी पति शराब के नशे में धुत था तथा अपने पत्नी के साथ बुरा व्यवहार एवं चूल्हे के जलते हुए लूठे से मारपीट किया है, जिससे आए चोटों से मृतिका की मृत्यु हो गई। किस किस अंग में मृतिका के शरीरी भाग में चोट आई है? मृतिका के मुंह में जले हुए का निशान है, उसके दाहिने टांग, घुटना एवं आंतरिक अंगों पर चोट के निशान पाए गए हैं, और अंदरूनी चोट की बात करें तो वो पीएम रिपोर्ट से ही क्लियर होगा। आरोपी को कहां से गिरफ्तार की गई? आरोपी को ग्राम मुरमा के सरपंच उदय सिंह के सहयोग से गांव के पास ही जंगल में गिरफ्तार किया गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.